हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी पाव भाजी, और इतनी इजी है बनने में और खाने में इतनी टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर हम पहले सारी सब्जियों को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुकर में 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, इसमें ज़ीरा डाल दिया है 1 चम्मच, और इसे भून लेंगे ज़ीरे को। और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को थोड़ा सा पानी छूटने तक हम पका लेंगे। और फिर टमाटर पक जाने के बाद हम 4 मीडियम साइज़ के आलू उसमें डाल देंगे। आलू को मैंने इस साइज़ के काटे हैं, आप चाहे तो छोटे या बड़े कर सकते हैं। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और फिर 1 कटोरी मटर डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। और फिर नमक डाल देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से आप जितना चाहे डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें, और 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 सीटियाँ ले लेंगे। और फिर हमारे सारी सब्जियां बॉईल होने के बाद हम इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए चेक करते हैं, सब्जी हमारी बॉईल हो चुके हैं और अब हम इसे मैश कर लेंगे मैशर से। तो मैश हमें अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल भी जो आलू है उसे ऐसे लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी सब्जी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और मैंने यहाँ पर अमूल बटर का यूज़ किया है, अमूल बटर डाल देंगे। और बटर पिघल जाने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने यहाँ पर बारीक चॉप करके ले लिए हैं। प्याज थोड़े से नरम कर लेंगे, और प्याज ऐसे नरम हो जाने पर मैंने यहाँ पर चॉप किए हुए अदरक लहसुन डाला है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप करके डाली है। शिमला मिर्च भी आप सब्जियों के साथ बॉईल कर सकते हैं, आप जैसे प्रेफर करते हैं आप ऐसे कर लेना, लेकिन शिमला मिर्ची का मेरे हिसाब से शिमला मिर्ची का टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा आता है। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी 2 चम्मच, और पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पर एवरेज का पाव भाजी मसाला लिया है, और 3 चम्मच मैंने एवरेज का पाव भाजी मसाला डाला है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेड फूड कलर डाल दूँगी, और मसाले का कच्चापन दूर होने तक हम इसे पका लेंगे। और फिर जो हमारी बॉईल की हुई सारी सब्जियां है वो इस मसाले में डाल देंगे, और उसे अच्छी तरह से मैश करते रहेंगे। मैश करना एक टास्क है इसके अंदर, तो जितना अच्छे से हम मैश करेंगे उतना हमारे पाव भाजी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो सारी सब्जियों को मैं इस तरह से डाल दूँगी, और जो कुकर में थोड़ा सा लग गया था उसे भी मैं धोकर उसका पानी डाल दूँगी इसमें, और इसे मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं, और याद रहे हमने नमक सब्जियां बॉईल करते टाइम पे भी डाला था, इसलिए आप वो हिसाब से नमक डाल देना और फिर इसे अच्छे से मैश करते रहना। मेरे घर में भाजी ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है सभी को, पतली नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने थोड़ा पानी कम ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देना, आपको अगर ज़्यादा अच्छी लगती होंगी पतली तो थोड़ा सा पानी और ज़्यादा ऐड कर देना, और गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती होंगी तो इसे ऐसे ही रहने देना जैसे मैंने कंसिस्टेंसी रखी है इसकी। तो यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे, बटर डाल देंगे, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे, और रेडी है हमारी पाव भाजी। आज की अगर आपको रेसिपी पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक बार ऐसे पाव भाजी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी आपकी पाव भाजी। मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला लगा कर ही फ्राई कर लिया है, और इसे सर्व कर लेंगे।